कोरोना महामारी और नोटबंदी के बाद देश में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। असम भी इससे अछूता नहीं है। असम में 30% साइबर आधारित अपराधों में वृद्धि हुई है। इन अपराधों को नियंत्रित करने को लेकर ट्रू कॉलर और असम पुलिस के सहयोग से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। गुवाहाटी के रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित इस शिविर में असम पुलिस सहित यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मौके पर गुवाहाटी पुलिस आयुक्त हरमीत सिंह ने कहा कि साइबर अपराधियों की हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रहती है। लोगों को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल हम अपने बच्चों के जन्मदिन से लेकर पालतू के नाम, एनिवर्सरी, गाड़ी का नंबर आदि भी शेयर कर देते हैं, जिसका साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं। साइबर फ्रॉड वर्थ 670 मिलियन पाउंड्स। क्यों? जब हम बेबी का फोटो लगाते हैं तो गाड़ी का बॉनेट पे लगा के उसमें गाड़ी का नंबर आ गया, बंदे ने वाहन से आपका डिटेल निकाल लिया। घर के बाहर लगाया, वहां एड्रेस और आपका नाम सामने क्लियर है, बंदे ने ले लिया। हमने साथ में क्या किया, बेबी लव्स पपी, पपी का नाम, पपी का नाम क्या होना चाहिए, स्कैम्पर, पपी का नाम दे दिया। अगले ने ट्राई किया, क्योंकि कई लोग पपी का नाम पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड आपने रिलीज कर दिया। बेबी का बर्थ डेट आपने रिलीज कर दिया, बर्थडे बता दिया। बेबी का फोटो आपने दे दिया, उसने बना लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट की आपने सारी अरेंजमेंट कर दी, माता पिता का नाम, कौन सा स्कूल जाता है, पासवर्ड क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब बता दिया। टुडे इज माय चाइल्ड्स थर्ड बर्थडे, आ भाई फलाने साल में पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ मिल गया, सब कुछ मिल गया। शेयरेंटिंग, नॉट ओनली आर यू ओपनिंग द बेबी अप फॉर स्टॉकिंग, नॉट ओनली आर यू ओपनिंग द बेबी अप फॉर एक्सप्लॉयटेशन, ग्रूमिंग, यू आर ऑल्सो ओपनिंग द चाइल्ड अप फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गुवाहाटी पुलिस आयुक्त हरमीत सिंह ने कहा कि 30% तक साइबर क्राइम बढ़ा है, जिससे अधिकांश वित्तीय फर्जीवाड़ा के मामले होते हैं। उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। CID डाटा আছে যেটো আমি দেখিছোঁ কোভিডৰ দৌৰান আৰু তাৰ পিছত অলমোষ্ট 30% টু চাইবাৰ ক্ৰাইম ইয়াতে বাঢ়িছে। চাইবাৰ ক্ৰাইমক যেতিয়া আমি লওঁ তেতিয়া আমাক ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড আৰু বেলেগ কাইণ্ড অফ ক্ৰাইমটো IT এক্টৰ ক্ৰাইম কলেটো কোনোবাই আবিউজ কৰিব পাৰে, কোনোবাই বেয়া ভিডিঅ' দিব পাৰে, পৰ্ণগ্ৰাফী হ'ব পাৰে, ষ্টকিং হ'ব পাৰে, এইবিলাকটো আছে। লগত ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড আছে, নিজৰ OTP কাকো দিব নালাগে। ফোনত কোনোৱে বেংক আপোনাৰ ডিটেইলছ, আপোনাৰ OTP, আপোনাৰ নাম্বাৰ এইবিলাক নাহোদে, চ' কেতিয়াহে দিব নালাগে। আৰু এনেকৈ ফোন বা SMS আহিলে কেতিয়াও ৰেছপণ্ড কৰিব নালাগে, ইমেইল আহিলে ৰেছপণ্ড কৰিব নালাগে। কোনোবা জানা মানুহক দেখালে তেওঁবিলাকে হেল্প কৰিব। আপুনি দেখিছে, মই আপোনাক এটা লোকসভা স্পীকাৰ অনাৰেবল ওম বিৰলাজীৰ টুইটটো দেখাইছোঁ মোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনত, তেখেতৰ নামত কেইটামান MPক হোৱাটছএপ মেছেজ গ'ল কিবা টকা বিচাৰি। চ' এতিয়া চাইবাৰ ৱৰ্ল্ডত কেনেকৈ কি হয় মানুহ গম নাপায়। অৰুণাচল পুলিচৰ পৰা যিজন আহিছে তেখেত কৈছে তেখেতৰ গৱৰ্ণৰ চাহাবৰ নামত গৈছে, নাইজেৰিয়া ট্ৰেছ হ'ল। আমাৰ DG চাহাবৰ নামত কোনোবাই মেছেজ পঠাইছে, আপুনি চব নিউজ কৰিছিলে, এইটো নাইজেৰিয়া ট্ৰেছ হ'ল। চ' নেটৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বৰ ক'ৰ পৰা ফ্ৰড হ'ব এইটো আমি গমেই নাপাওঁ। তো সাৱধান থাকিলেহে আমাৰ কাম হয়।